Ladies and gentlemen, time to introduce team number one, Jaipur Jaguars! Ladies and gentlemen, time to introduce team number two, Shekhar the Kings! समय जो है वो चुका है टॉस का, तो चलिए आपको लिए चलते हैं रेफरी मिस्टर फरीद खान के पास। तालिका में सबसे ऊपर थी, वो चली जाएगी फाइनल में। और ये कहीं ना कहीं लक्ष्य जो उनके मेन रेडर शेखावत किंग्स वो जानते हैं कि आज बराबरी पे नहीं खत्म करना मुकाबला। चलिए सेमीफाइनल मुकाबले की पहली रेस जयपुर जैगवर के कप्तान अमन रेस के ऊपर आ चुके हैं। सात का डिफेंस है, दाहिने से बाईं तरफ विरोधियों को छकाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो सफेद कलर की लाइन है इसको वॉक लाइन कहा जाता है, इसको पार आपको कम से कम करना है यदि आपको अपनी रेड को वैलिड बनाना है। सिर्फ उसको पार किया और एम्प्टी रेड से ही संतुष्ट रहे। तो यानी खिलाड़ी आए हैं यहाँ पर सुमित रेड करने के लिए, क्योंकि उनके प्रबल रेडर्स अभी मैट पे मौजूद नहीं है। यही तो काम करती है बढ़िया टीम। और जी यहाँ पर शेखावत किंग्स रेडिंग में भी अंक ले रही है, तो डिफेंस में भी कर वो कारनामा करके दिखाया। दो का डिफेंस, सुपर टैकल की सिचुएशन, और क्या यहाँ जयपुर जैगवर्स को ऑल आउट किया जा सकता है। निगाहें रखनी पड़ेगी, अच्छे दाएं से बाएं मूवमेंट करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। क्या वहाँ टच है, फ्रंट ब्लॉक के सामने से बाहर लाने की कोशिश है, मिड लाइन को पार कर लिया गया, एक अंक चला गया है। यहाँ पर शेखावत किंग्स की तरफ से तो लक्ष्य और आरपी के ऊपर निगाहें हुई रेडिंग में, पर लेकिन यहाँ पर अगर डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में इनके लिए ऋषिक नेहरा और नवीन शर्मा ने बढ़िया काम कर दिखाया है। यहाँ से पॉइंट निकाल के लाते हैं तो हो सकता है कुछ हो, लेकिन ऋतिक के उस सफर से कैसे बचेंगे। सबसे खतरनाक एंकल होल्ड करने वाला खिलाड़ी, खेल में चार का डिफेंस सबसे टफ डिफेंस माना जाता है। आशीष ये कॉर्नर की पोजीशन पे नहीं खेलते, या आमतौर पर आपको कवर की पोजीशन पे खेलते हुए नजर आते हैं। क्या इनको शिकार बनाएंगे, नवीन के सामने स्ट्रगल हुई है, भगत को भी बचा हुआ है, दो अंक मिलने चाहिए और मुझे लगता है मिल जाएंगे। इनके सामने महाबली भी आ चुके हैं, बैक किक बहुत बढ़िया लगाते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पर भी निकलते हैं। यहाँ पर कह रहे ऋतिक को आपने देरी क्यों कर, दो डाई की सिचुएशन में जयपुर जैगवार की तरफ से हरदीप आए। जब जब दो डाई की सिचुएशन होती है यही आते हैं, बोनस तो कतई ऑन नहीं है क्योंकि तीन का डिफेंस है। अतुल को वो वहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में जाकर अटैक करना चाहते हैं। अतुल का बढ़िया बढ़िया डिफेंस, हाई होल्ड देखने को मिली और उसके बाद नवीन और भगत ने सुनिश्चित किया कि नापी यहाँ पर निकल है। यहाँ पर समय को अब किल करने का प्रयास है दीपांशु के जरिए, अपनी थोड़ी सी एनर्जी को वापस से रिवाइव करते हुए ये घोषणा हो जाएगी। पहला हाफ समाप्त हो चुका है, रेडिंग में भी दोनों टीम परफॉर्म कर रही है। कौन सी टीम किस पे भारी पड़ेगी ये बचे हुए 20 मिनट में पता चल जाएगा। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूँ आयुष शर्मा, मेरा साथ देने के लिए कन्हैया, स्वागत है कन्हैया। शुक्रिया आयुष। यहाँ पर चेकआउट किंग्स प्रयास में है कि अंक लिए जाएं, यहाँ पर रेड करने के लिए बोनस देकर कामयाब रहे। यहाँ पर अमन अब जाएंगे टीम के डिफेंस में, प्रयास उनका यही होगा कि एक आधा खिलाड़ी को यहाँ पर आउट किया जाए। टीम का ये डिफेंस बढ़िया मुकाबला ये चलता हुआ यहाँ पर 17-18 से आगे है। ऐसे लगा कि एक अकेले यहाँ पर ऋतिक अमन को बाहर पछाड़ देंगे, लेकिन ये आउट हो जाते हैं। तो शेखावत टीम आज के इस मुकाबले का दूसरा ऑल आउट फेस करेगी। डिफेंस के ऊपर हल्का सा दबाव जयपुर के लिए जरूर रहना चाहिए था, हरदीप रन लॉक करने की कोशिश की, सुमित का पूरा सपोर्ट था और अपनी टीम के लिए वो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकालते हैं, एक बोनस जरूर निकाल दिया शेखावत ने, लेकिन जयपुर जैगवर को तीन मिलेंगे, उन्होंने अपर दिखाया। और लीजिए अगर शेखावत किंग्स दो बार ऑल आउट हुई है तो जयपुर जैगवार भी हो चुकी है। आपको डू ऑर डाई की रेड थी, आपको बाहर जाना होगा और बढ़कर चढ़कर प्रदर्शन करता हुआ ये खिलाड़ी, जब जब टीम को जरूरत पड़ती है ये हम अपनी भाषा में शगुन कहते हैं, क्या वो शगुन के साथ में फाइनल में एंट्री कर सकती है शेखावत की टीम। वो शगुन उनको चाहिए नहीं लगता, अभी कह रहे कि 50 काफी है, लालच क्यों करें। और जी हाँ, आपने अद्भुत करिश्मा कर दिखाया है, आपकी टीम ने वो प्रदर्शन कर दिखाया है। जसवीर हुड्डा आपकी टीम का नाम शेखावत किंग्स है और वो पहली टीम बनी है जो फाइनल में गई है।
Ladies and gentlemen, please welcome the man of the match, Lakshya. Give a big round of applause for him. Many, many congratulations to you. Sponsored by man of the match, Riara. Thank you so very much.